yes very enthusiastic morning to all of you today we will go ahead with vocabulary section and we will study 36 words for daily use yes disallow means आज्ञा ना देना जैसे पापा इस काम को करने के लिए आज्ञा नहीं देंगे तो पापा will disallow to do this work allow होता है आज्ञा देना disallow means आज्ञा ना देना disconnect अलग करना आपको अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर लेना चाहिए तो you should disconnect yourself from that group डिस्कस होता है सलाह मशवरा करना वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर अंटायर होता है सारा जैसे सारे फील्ड पर पानी भरा हुआ था तो अंटायर फील्ड वाज फुल ऑफ वाटर आप अपना कुछ और सेंटेंस बनाएंगे डिस ओबे आज्ञा ना मानना तो ही डिस ऑबेड हिज टीचर या ही डिस ऑबेड द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर अटेन होता है प्राप्त करना जैसे उसने 90 परसेंट मार्क्स प्राप्त किए तो आप बोलेंगे ही अटेंड 90 परसेंट मार्क्स ही अटेंड फर्स्ट पोजीशन डिस्प्ले होता है प्रदर्शन करना जैसे यू शुड डिस्प्ले दिस पिक्चर आउटसाइड द शोरूम डिस्पैच होता है भेजना हैव यू डिस्पैचड दैट लेटर क्या आपने वो लेटर भेज दिया है कंसिडर होता है विचार करना वी विल कंसीडर अबाउट दिस मैटर डाइवर्ट होता है मार्ग बदलना यू शुड नाट डाइवर्ट यूर सेल्फ फ्रॉम स्टडीज़ आउटको मत और नतीजा प्लीज टेल मी वाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट एफर्ट डोनेट मीन्स दान करना यू शुड डोनेट इन दैट फंड आपको उस फंड में दान करना चाहिए एक बार फिर देखते हैं डिसअलाउ मीन्स आज्ञा ना देना डिसकनेक्ट मीन्स अलग करना डिस्कस मीन्स सलाह मशवरा करना एंटायर मीन्स सारा या संपूर्ण डिस ओबे आज्ञा ना मानना अटेन प्राप्त करना डिस्प्ले प्रदर्शन करना डिस्पैच भेजना कंसीडर मीन्स विचार करना डाइवर्ट होता है मार्ग बदलना आउटकम मीन्स नतीजा डोनेट मीन्स दान करना पर्पज मीन्स उद्देश्य व्हाट इज यपज ऑफ डूइंग दिस वर्क ड्रॉ मीन्स चित्र बनाना कैन यू ड्रॉ दिस पिक्चर सफिशियंट मीन्स प्राप्त जैसे दिस इज सफिशियंट फॉर मी कई बार आप कहते हैं ये चीज़ मेरे लिए पर्याप्त है तो दिस इज सफिशियंट फॉर मी I नीड नो मोर अब आपने देखा कि हम सभी वो वर्ड्स ले रहे हैं जो आम बोलचाल में यूज होते हैं यदि आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप प्लीज इसे लाइक करते चलें एडुकेट होता है शिक्षित करना गर्ल्स आर बींग एजुकेटेड गर्ल्स को शिक्षित किया जा रहा है इलेक्ट मीन्स चुनना हैव इलेक्टेड हिम एज द चेयरमैन डिसग्री मीन्स सहमत ना होना ही वॉज डिस डिस्कवर मीन्स खोजना जैसे वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। एक्सप्लोर मीन्स पता लगाना यू शुड एक्सप्लोर न्यू एस्पेक्ट्स। यू शुड एक्सप्लोर न्यू मेडिसिन। एक्सपेंड होता है फैलाना ही वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस वह अपना बिजनेस फैलाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज फ्रेंड सर्कल एक्सपेक्ट होता है आशा करना हिज़ फादर एक्सपेक्टेड फ्राम हिम गुड अबाउट गुड रिजल्ट एक्सप्रेस होते है व्यक्त करना आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ फीड मीन्स खिलाना तो एक बार फिर देखते हैं पर्पज़ मीन्स उद्देश्य ड्रा मीन्स चित्र बनाना सफिशियंट मीन्स पर्याप्त एजुकेट मीन्स शिक्षित करना इलेक्ट मीन्स चुनना डिसग्री सहमत ना होना डिसकवर खोजना एक्सप्लोर पता लगाना एक्सपेंड फैलाना एक्सपेक्ट आशा करना एक्सप्रेस व्यक्त करना फीड खिलाना आप इन सभी वर्ड्स को नोट कर लें और अपनी ओर से एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाते चले और उसको बोलने का आप अभ्यास करें ऑबटेन ऑबटेन भी होता है प्राप्त करना जैसे आपने सीखा अटेन मीन्स प्राप्त करना गेट भी होता है प्राप्त करना तो उसने नाइन्टी परसेंट मार्क्स प्राप्त किए तो ही ऑबटेंड नाइन्टी परसेंट मार्क्स ही ऑबटेन्ड फर्स्ट पोजिशन फाइंड माने पाना फ्रॉम वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक हायर मीन्स किराए पर लेना हमने एक टैक्सी किराए पर ली तो वी हायर ए टैक्सी हमने एक बस किराए पे ली तो वी हार्ड ए बस इंट्रोड्यूस परिचय कराना प्लीज इंट्रोड्यूस हिम इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच करना पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू दिस मैटर इन्वाइट होता है आमंत्रित करना तो वी हैव इन्वाइटेड हिम एज चीफ गेस्ट हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है जस्टिफाई मीन्स उचित कारण बताना ही जस्टिफाइड दैट वाई ही डिड नॉट कम निट होता है बुनना तो शी वॉज निटिंग लैंड मीन्स उधार देना ही हैज लेंट मी फाइव थाउजेंड रुपीज़ लीन मीन्स झुक जाना मल्टीप्लाई गुना करना नेप मीन्स झपकी लेना जैसे ही वॉज नैपिंग इन द क्लास ऑप्टेन मीन्स प्राप्त करना फाइन पाना हायर मीन्स किराए पर लेना इंट्रोड्यूस परिचय कराना इन्वेस्टिगेट जाँच करना इन्वाइट आमंत्रित करना जस्टिफाई उचित कारण बताना नित बुनना लेंड उधार देना मल्टीप्लाई गुणा करना नैप झपकी लेना तो ये सभी वो वर्ड्स हैं जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं आप प्लीज़ इनका प्रैक्टिस करें यस yes, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स डेली इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली नए वीडियो से कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका वोकेबलरीरी सेक्शन डेली इंक्रीज होता जा रहा है और आप बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे निश्चित इंग्लिश बोलना